और इस समय की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द हो गया है। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि बीजेपी विधायकों पर जो एक्शन लिया गया था वो असंवैधानिक है और 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द किया जा चुका है। मेरे साथ ही इस समय जुड़े हैं गौरव, ज्यादा जानकारी के साथ में। जी गौरव, बताइए कि आखिर कितनी बड़ी राहत ये बीजेपी विधायकों के लिए है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी राहत है बीजेपी के उन 12 विधायकों के लिए जिन्हें की पूरे एक साल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। और 6 जुलाई 2021 की ये बात है जब ये एक प्रस्ताव लाया गया कि अपने रवैये के चलते, अपने व्यवहार के चलते जो है वो 12 विधायकों की सदस्यता को एक साल के लिए रद्द किया जा रहा। उस पर राहत लेने के लिए जो है ये सभी विधायक जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो भी ये 12 विधायकों का निलंबन है वो पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है और इस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा नहीं कर सकती। अगर उसे निलंबन करना ही था तो वो उस वक्त चल रहे मानसून सेशन के लिए ही उनकी सदस्यता को निलंबित कर सकती थी और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र विधानसभा को झटका देते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है कि 12 बीजेपी विधायक जिनका निलंबन हुआ था उनकी वापस से उन्हें सदस्यता मिल गई और अब उन्हें एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जैसा कि महाराष्ट्र विधानसभा ने फैसला दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला, और देखिए ज्यादातर जो इस तरह के मामले होते हैं जो कि विधानसभा लेते हैं, विधानसभा जो है अपने आप में एक इस तरह का की बॉडी मानी जाती है जो अपने फैसले लेने में खुद सक्षम होती है, लेकिन चूंकि ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों की भी अहम भूमिका होती है इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और सभी 12 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया। और आप बने रहिए गौरव मेरे साथ में, और इस समय मेरे साथ में अतुल भटकरकर साहब मेरे साथ में जुड़े हैं जिनका निलंबन किया गया था। अतुल जी, बड़ी राहत आपको मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सस्पेंशन था उस पर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बहुत आभारी है और जी इलीगल पद्धति किया वो इंडिकेट किया और इसका असर सिर्फ हमको राहत मिलने में नहीं होगा तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें विपक्षी दलों के बारे में विधानसभा के बहुमत का नाजायज उपयोग करके इस प्रकार का काम करती है इसको भी इसके आगे एक बहुत बड़ी रोक मिल जाएगी और उसके लिए मुझे लगता है कि दिस इज नथिंग बट अ लैंडमार्क डिसीजन और मुझे आशा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा अभी इस निर्णय को स्वीकारेगी और 28 फरवरी से चालू होने वाले अर्थसंकल्पीय सत्र में हमको आने के लिए इजाजत देंगी। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया अतुल जी। तो अतुल भटकलकर को आप सुन रहे थे। दरअसल ये वो 12 विधायकों में से एक थे जिनको एक तरह से निलंबित किया गया था और अब वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद अर्पित कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को ये बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है क्योंकि जिन 12 विधायकों का निलंबन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये विधानसभा का फैसला असंवैधानिक है। महाराष्ट्र विधानसभा का एक साल के लिए निलंबित किए गए थे विधायक, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक सेशन के अकॉर्डिंग ही उन्हें निलंबित किया जाता है।